कबूलनामा सामने आ गया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के सामने एल्विश यादव ने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं। पार्टी में सांप मंगवाने की बात, सांप का जहर मंगवाने का आरोप एल्विश ने पुलिस से एक एक डिटेल शेयर किया है। सोशल मीडिया पर रोशनी बिखेरने वाले एल्विश अब जेल की काली कोठरी में अपने अपराधों का अंजाम भुगतेंगे। देखिए रिपोर्ट। सेक्टर 51 में होने वाली रेव पार्टी के बारे में क्या आपको जानकारी थी? हाँ, जानकारी थी। ऐसी पार्टी अक्सर होती रहती है। पार्टी में सांप क्यों मंगवाए गए थे? सांपों को भिजवाने में आपका नाम भी सामने आया है। रेव पार्टियों में सांपों को भी लाया जाता है। पार्टी के लिए सांपों का इंतजाम आपने किया था? राहुल ने मुझे बोला था, मैंने सिर्फ उसको सपेरों से कनेक्ट करवा दिया था। सांपों के अलावा जो 20 ml सांप का जहर मिला है, उसका क्या करते हैं पार्टी में? स्नेक वेमन का कुछ लोग पार्टी के दौरान नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सूत्रों के मुताबिक यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव ने पूछताछ में आरोप कबूल कर लिए हैं। पार्टी ने सांप मंगवाने की बात मान ली है, सांप का जहर मंगवाने का आरोप भी कबूल कर लिया है और ये भी कबूल कर लिया है कि अन्य आरोपियों से रेव पार्टी में मिल चुका था। करोड़ में फॉलोअर्स, लाखों फैन और सोशल मीडिया से करोड़ों की संपत्ति बना चुके एल्विश यादव का यह कबूलनामा ये बताने के लिए बहुत है कि अब उनकी जिंदगी के कुछ साल तो सलाखों के पीछे ही कटने वाले। एल्विश यादव के कबूलनामे के मुताबिक पिछले साल 3 नवंबर को नोएडा सेक्टर 51 के एक बैंकेट हॉल में सांपों का जहर मुहैया कराया था। फॉरेंसिक टीम ने भी इसकी पुष्टि की थी। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने एल्विश यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस केस में एल्विश यादव और 6 अन्य लोगों पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और IPC की धारा 129A के तहत केस दर्ज किया गया है। ये वही एल्विश यादव हैं जिनका अब कबूलनामा आया है, वरना इससे पहले एल्विश सफाई वाला वीडियो बनाकर खुद को सांपों के जहर के खेल से जुदा साबित कर रहे थे। लेकिन सवाल है, अब आगे क्या होगा? नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 29 के तहत भी केस दर्ज किया है। इस कानून के तहत तब कार्रवाई की जाती है जब कोई ड्रग्स से जुड़ी साजिश में शामिल हो या मामला ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़ा हो। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 20 साल की सजा हो सकती है। पुलिस ने 3 नवंबर 2023 को आरोपियों के कब्जे से 5 कोबरा समेत 9 सांपों को बचाया था। जांच से पता चला कि सभी 9 सांपों में वेनम ग्लैंड्स यानी जहर की ग्रंथि गायब थी, जिसमें जहर होता है। पुलिस ने उनके पास से 20 ml सांप का जहर भी बरामद किया था। लेकिन एल्विश ने आरोपों को खारिज करते हुए निराधार, फर्जी और 1% भी सच नहीं करार दिया था। अब एल्विश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल्स यानी PFA ने सांप के जहर वाली रेव पार्टी का पर्दाफाश किया था और तभी से नोएडा पुलिस की नजर एल्विश यादव पर थी। सवाल, बंगला, गाड़ी, फैशन से लगभग लाइफ के बावजूद एल्विश जहर का सौदागर कैसे बन गए? इसका जवाब सिर्फ एल्विश यादव की क्राइम कुंडली खंगालने से नहीं मिलेगी, बल्कि रेव पार्टियों में नशे के बढ़ते कारोबार की इनसाइड रिपोर्ट में मिलेगी। ये पहली बार नहीं हुआ है सांप और सांपों का जहर पुलिस ने पकड़ा है। सांप का जहर इतना महंगा है कि इसके कारोबार में अक्सर हाई प्रोफाइल लोग ही शामिल मिलते हैं। आपको आगे बताएंगे कि एल्विश यादव की सोशल मीडिया की चमक चांदनी का अब क्या होगा, लेकिन उसके पहले सांप के जहर का खेल समझ लीजिए जो रेव पार्टी में शान की चीज समझी जाती है। एल्विश यादव की गिरफ्तारी के बाद स्नेक बाइट ड्रग एडिक्शन की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन ये बात आम लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि जहरीले सांपों के विष से कोई कैसे नशा कर सकता है, क्या वो नशा करने के बाद जीवित रह सकता है। इंटरनेट पर इसे लेकर कई रिपोर्ट मौजूद हैं, जिसके मुताबिक नशा करने वाले 2-3 तरीके से जहरीले सांपों का विष लेते हैं। इसमें एक्सपर्ट सफेरे या विशेषज्ञों की मदद ली जाती है।
कुछ मामलों में नशा करने वाले अपनी जीभ पर सांपों से दंश करवाते हैं। इस प्रक्रिया में बेहद कम मात्रा में विष का जीभ से स्पर्श भर होता है। कई बार नशा करने वाले इंजेक्शन के जरिए विष लेते हैं। कई अपनी उंगलियों में भी सांप से कटवाते हैं। ये विष सीधे इंसान के मस्तिष्क पर चोट करता है और उसे एक अलौकिक दुनिया में पहुंचा देता है। लेकिन इस जानकारी से ज्यादा ये जानना जरूरी है कि ये बेहद खतरनाक और गैर कानूनी है। इसमें पलक और मारो राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।